हेलो बच्चों, मैं अमित सर, प्लेटफॉर्म कोचिंग पटना प्राइवेट लिमिटेड से। देखिए, जैसा कि आपने प्रमोशन वीडियो देखा था, मैंने उसमें कहा था, साथ चल कुछ पल मेरे, साथ चल कुछ पल मेरे, खुद जान जाएगा, दिमाग जहां लगता है हाथ क्यों लगाएगा। तो देखिए क्या होता है ना, कि हम लोग के बिहार में एक वर्ड है जुगाड़। एक वर्ड क्या है? जुगाड़। तो हम लोग ने क्या करते हैं कि जुगाड़ बहुत ज्यादा लगाते हैं। तो जब जुगाड़ बहुत ज्यादा लगाना शुरू हो गया, तो फिर एक समय आया जब मुझे लगा, यार क्वेश्चन पे भी जुगाड़ लगाना चाहिए, क्वेश्चन पे भी क्या करना चाहिए, जुगाड़ लगाना चाहिए। और मैंने क्वेश्चन पे जुगाड़ लगाना शुरू भी कर दिया, और जुगाड़ लगते लगते ऐसा जुगाड़ क्वेश्चन पे लगा कि फिर क्वेश्चन क्वेश्चन नहीं रहा, वो बस एक खेलने की वस्तु बन गई। तो चलिए देखिए, बहुत कुछ है देने को, और वो धीरे धीरे मैं करके दूंगा। बच्चे सोच भी रहे होंगे कि सर, आप एक ही क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हो, तो एक से दो क्वेश्चन बच्चा मैं रोज डिस्कस करूंगा, ठीक है? लेकिन ये क्वेश्चन जो होंगे ना, वो एकदम बिल्कुल डिफरेंट तरीके से होंगे। यानी कि कहा जाता है ना, नजर बदलो नजरिया बदल जाता है, नजर बदलो नजरिया बदल जाता है। और भैया, जब नजर बदलना था तो मैंने क्वेश्चन में पे नजर बदल दिया, और जब क्वेश्चनवा पे नजर बदला तो क्वेश्चन को देखने का नजरिया भी बदल गया, और उसको बनाने का नजरिया भी बदल गया, ठीक है? तो चलिए मैं धीरे धीरे करके आपको सिखा दूंगा। अभी बात ऐसी है कि शाम का स्लॉट मेरा भी फ्री नहीं है, जिसके कारण अभी आपकी इस वीक में भी हो सके तो लाइव ना आ करके वीडियो रिकॉर्डिंग ही जाएगी। लेकिन नेक्स्ट वीक से मैं कोशिश करूंगा कि ये 15 मिनट का जो शेड्यूल है, मैं उसको बढ़ा करके और 30 मिनट का ड्यूरेशन कर दूं, और एक दिन में 2 से 3 प्रश्न मैं डिस्कस करूंगा। लेकिन मैं 100% आपको गारंटी देता हूं कि जो भी प्रश्न मैं डिस्कस करूंगा, उस प्रश्न में आप फिर पेन दोबारा नहीं टच करोगे। आप 80% 85% क्वेश्चन जो है, वो अपनी मेंटल एबिलिटी यानी अपने माइंड के रीजनिंग की मदद से ही सॉल्व करोगे। तो चलिए देखते हैं, आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, इसको मैंने क्लॉक से ले रखा है। और जैसे कि बच्चे जानते हैं कि एंगल वाले क्वेश्चंस आते हैं, तो हम लोग स्पीड में सूत्र लगाते हैं और सूत्र लगाकर इसका आंसर निकाल लेते हैं। तो जिस समय हम इसके बेसिक नॉलेज को, इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ जाएंगे ना, उस दिन मुझे सूत्र की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मैंने क्या कहा? जिस दिन हम इसके पीछे के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ जाएंगे, उस दिन मुझे सूत्र की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बिना सूत्र लगाए हुए, बिना पेन उठाए हुए, और सिर्फ सोच करके हम हर एंगल का जवाब दे सकते हैं। बस थोड़ी सी कैलकुलेशन फास्ट कर लेनी होगी। तो चलिए ध्यान से देखिए कि क्या करना है और कैसे करना है। जैसे यदि हम फर्स्ट क्वेश्चन को देखें, तो व्हाट विल बी द एंगल बिटवीन द हैंड ऑफ क्लॉक एट 10:20, यानी कि 10:20 पर घंटे की सुई और मिनट की सुई के मध्य कितने अंश का कोण बनेगा। तो यहाँ ऑप्शन एरर दे रखा है, ध्यान से देखिए। 10:20 यानी 180 में से, 180 में से मिनट का आधा घट गया 10 डिग्री, तो आंसर इसका हो जाना चाहिए था 170 डिग्री का कोण बनेगा। अब बोलोगे आप, सर आपने तो डायरेक्ट देखा 10:20 है, और आपने कहा 180 में से मिनट का आधा घट जाएगा और 170 डिग्री का कोण बन जाएगा, क्या ये वास्तविक में सही है? तो चलिए इसको प्रूफ करने के लिए हम सबसे पहले जानकारी ले लेते हैं, अपने उसी सूत्र की ओर लौटते हैं और देखते हैं कि उस सूत्र से यहां तक का सफर जो है वो कैसे तय हो रहा है, ठीक है? तो ध्यान से देखिएगा, मुझे सिर्फ कोण की माप पूछी गई है। मुझसे क्या पूछी गई है? सिर्फ कोण की माप पूछी गई है। उसने नहीं कहा है कि भैया मुझे बड़ा वाला कोण चाहिए या मुझे छोटा वाला कोण चाहिए। तो जब प्रश्न में आपका ना कहा गया हो कि बड़ा कोण चाहिए या छोटा कोण चाहिए, तो इस सिचुएशन में हमेशा छोटे कोण का चयन करेंगे। तो चलिए टाइमिंग आप एक बार देख लीजिए कितना है। तो 10:20 है, टाइमिंग कितना है? 10:20 है, और 10:20 में उसको क्या चाहिए? तो दोनों सुइयों के बीच बनने वाले कोण की माप चाहिए। तो चलिए क्वेश्चंस को हम ले जाते हैं आगे पेज पे। ध्यान से समझिएगा मैंने कैसे कर दिया। मेरे पास जो समय था वो कितना था? तो 10:20 था।
मैंने कहा 180, तो सवाल उठता है सर ये 180 कहाँ से लाए, कहीं जादू के पिटारा से 180 तो नहीं ले आए। तो देखिए बस कॉन्सेप्ट से 180 लाया, कहाँ से लाया ध्यान से देखिएगा। ये मिनट की सुई जो 20 मिनट है ना, तो आप फील करोगे सिस्टम को, घड़ी कुछ इसी प्रकार के होते हैं। धीरे धीरे चलूंगा और सिखा दूंगा आपको, घड़ी कुछ इसी प्रकार के होते हैं। तो जब घड़ी इस प्रकार के होते हैं, और यदि हम मिनट वाले हैंड की बात करें, तो यह 0:00 या 60 मिनट होता है, यह 5 मिनट होता है, यह 10 मिनट होता है, इसी तरह यह 15 मिनट होता है, यह 20 मिनट होता है, यह 25 होता है, 6 को 30 मिनट, 7 को 35 मिनट, 8 को 40 मिनट, 9 को 45 मिनट, 10 को 50 मिनट, और 11 को हम 55 मिनट कहते हैं। तो इस मिनट को क्या करना है कि इस अंक में सोच लेना है, इस मिनट को क्या करना है कि इस अंक में सोच लेना है। तो उसने मुझसे कहा 10:20, तो मैंने 20 मिनट जैसे ही अपने माइंड में ऑब्जर्व किया, तो मुझे 20 मिनट ना दिखकर यह मुझे अंक 4 दिखने लगा, या मुझे क्या दिखने लगा, अंक 4 दिखने लगा। और तब मैंने जाना कि अंक 4 से अंक 6, यानी 4 से 4 से 10 के बीच का जो डिफरेंस होगा, वो किसी भी साइड से चलूंगा तो 6 होगा। तो मैंने फील किया कि इसके बीच डिफरेंस कितना है, तो 6 डिग्री है। मैंने डिफरेंस तो फील कर लिया कि 6 डिग्री है, यानी 6 है। अब हर एंगल के बीच यदि हर अंक की दूरी क्लॉक में मानी जाए, तो वो 30-30 डिग्री के डिफरेंस पे होता है, यानी 30-30 डिग्री के अंतर पे होता है। तो जब 6 अंक का डिफरेंस है, तो 6 गुने मैंने 30 मन ही मन कर लिया, यानी अपने माइंड में कैलकुलेशन कर लिया, तो मिल गया 180 डिग्री। और फिर मैंने देखा कि मिनट 20 है, तो 20 का आधा 10 होता है, यानी 20/2, यानी मैं 180 डिग्री में से 10 डिग्री को माइनस कर रहा हूं, तो 170 डिग्री का कोण बन रहा है। क्या सही में 170 डिग्री का कोण बनेगा? तो चलिए देख लीजिए हम क्या लिखते हैं। तो H×30 − 11/2 × m, हम लोग इसी से इसको बनाते हैं। अब देखिए तो H के जगह पे मैं किसको रखूंगा, तो H के जगह पे 10 को रखूंगा, गुना किससे करूंगा, तो 30 से, और −11/2 × m करूंगा, तो m के जगह मैं किसको जगह दूंगा, तो m के जगह मैं 20 को जगह दूंगा। m के जगह किसको दूंगा, तो m के जगह 20 को जगह दूंगा, तो यह हो गया 20। अब इसको जब मैं कट करूंगा, तो 2×10 = 20, और जब सॉल्व करूंगा तो 300, और −110, तो यह आया 190 डिग्री। तो ये 190 डिग्री तो बड़ा वाला कोण आया ना। अब इसमें को क्या करना है, तो 360 डिग्री में से मैं 190 डिग्री को घटाऊंगा, तब मुझे प्राप्त होगा 170 डिग्री, और मैं कहूंगा आंसर है। तो भैया इतना करके मैं 170 डिग्री निकाल रहा हूं, उससे अच्छा मैं ऐसे 170 डिग्री क्यों ना निकालूं कि मैं देखूं कि घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच डिफरेंस है 6 का, और जब भी 6 का डिफरेंस आएगा, तो 180 में से मिनट का आधा जो है वो घट जाएगा। क्या होगा, जब भी घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच 6 अंक का अंतर आएगा, तो 180 में से मिनट का आधा घट जाएगा। ये रामबाण इलाज है, इसको दिमागवा में चढ़ा लेना है। क्या चढ़ा लेना है, तो जब भी घंटे की सुई और मिनट के सुई के बीच 6 अंक का अंतर आएगा, तो 180 में से मिनट का आधा घट जाएगा, आंसर बन गया। कोई टेंशन नहीं लेना, देख लीजिए ध्यान से। एक क्वेश्चन मैं और डिस्कस कर देता हूं। मान लीजिए हमसे कह रहा है 10 बजकर, अच्छा अभी तो मैंने 10:20 दिया है ना,
मान लीजिए हमसे कह रहा है 8:10 का समय हो रहा है, तो आप खुद फील करो। तो 10 मिनट कहने का मतलब मैं किस पे फील कर सकता हूँ? सुई को 2 पे फील कर सकता हूँ। तो 8 से 2 या 2 से 8 के बीच डिफरेंस कितना निकल आएगा? 6 का डिफरेंस निकल आएगा। और 6 का डिफरेंस निकल आया तो 180 डिग्री में से 10 का आधा 5 डिग्री घटाऊंगा, यानी 175 डिग्री। कैसा कोण बना? तो छोटा वाला कोण बना। कैसा कोण बना? तो छोटा वाला कोण बना। फिर से देख लो, 11:25, 25 मिनट। तो 25 मिनट का मतलब यह सुई मैं किस पे ऑब्जर्व करूंगा? 5 पे ऑब्जर्व करूंगा। तो इसके बीच का जो डिफरेंस होगा वो कितना होगा? 6। आप कहोगे सर सही में 6 होगा, तो चलिए देख लेते हैं 6 होगा कि नहीं होगा। 5 से 11 तक जाना है तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, या 11 से 5 तक आना है तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी सही मायने में अंतर मुझे कितने मिल रहे हैं? तो 5 से 11 के बीच अंतर 6 मिल रहे हैं। तो 6 का अंतर आने पे क्या करूंगा? 180 डिग्री को पकड़ूंगा, और मिनट 25 है तो 25 का आधा 12.5 डिग्री घटाऊंगा। तो जब घटाऊंगा तो 172.5 डिग्री का कोण बनाऊंगा। क्लियर? आप इसको बिल्कुल मुझबानी बना सकते हैं, कुछ भी नहीं है। देख लो, मान लीजिए कह रहा है हमसे 4:50 हो रहे हैं। माइंड में ही कैलकुलेशन कर लेना है, माइंड में ही कैलकुलेशन कर लेना है। तो 4:50 है तो 50 का मतलब 10 पे दिखेगा, और 10 पे दिखेगा तो 4 से 10 का दूरी 6 होगा, और 6 होगा तो 180 होगा, और 180 में 25 डिग्री माइनस होगा, तो 180 में 25 डिग्री माइनस होगा तो 155 डिग्री होगा। अब सावधान, यह काम हम सिर्फ तब करेंगे जब घंटे की सुई और मिनट के सुई के बीच अंतर कितना होगा? तो 6 का होगा। यह काम कब करेंगे? जब घंटे की सुई और मिनट के सुई के बीच अंतर जो होगा वो कितना होगा? 6 होगा। अब देख लीजिए, थोड़ा सा मैं और आगे बढ़ रहा हूं, एक टाइप और आज थोड़ा सा सिखा देता हूं। मान लीजिए कि मेरे बीच 0 का अंतर आ गया घंटे और मिनट में। जैसे उसने कहा 2:10 पे कितने अंश का कोण बनेगा, मैं माइंड से सोचूंगा ना, 10 मिनट कहने का मतलब सुई किस पे दिखा? 2 पे। दोनों के बीच अंतर कितना? 0। और 0 का जब अंतर दिख जाए, मिनट का आधा यानी 10 का आधा 5 डिग्री। हमसे बोला गया 4:20, मैंने कहा भैया यह भी 4 पे और यह भी 4 पे, अंतर कितना? 0 का। तो मिनट का आधा, 20 का आधा 10 डिग्री आंसर। हमसे कहा गया 10:50 पे, मैंने कहा यह भी 10 पे है और यह भी 10 पे है, जब दोनों 10 ही पे है तो आंसर कितना है? 25 डिग्री है। मुझसे कहा गया 9:45, मैंने कहा यह भी 9 पे है और यह भी 9 पे है, जब दोनों 9 पे हैं इसका मतलब 45 का आधा कितना डिग्री? 22.5 डिग्री। मुझसे कहा गया 3:15, मैंने कहा यह भी 3 पे, मिनट की सुई भी 3 पे और घंटे की सुई भी 3 पे, यानी दोनों के बीच डिफरेंस 0 है, और 0 डिफरेंस है तो 15 का आधा 7.5 डिग्री। मुझसे कहा गया 11:55 पे दोनों सुइयों के बीच कितने अंश का कोण बनेगा, तो मैंने कहा 11 पे 55 मिनट का मतलब भी 11 पे, यानी घंटे की सुई भी 11 पे और मिनट की सुई भी 11 पे। तो 55 का आधा, तो 55 का आधा 27.5 डिग्री हो गया। मुझसे कहा गया 6:30, मैंने कहा भैया घंटे की सुई भी 6 पे और मिनट की सुई 30 मिनट का मतलब 6 पे, दोनों मुझे दिखते हैं 6 पे, यानी दोनों के बीच अंतर है 0, और जब दोनों के बीच अंतर हो जाए 0 तो जितना मिनट है उसका आधा बना दीजिए आंसर। आज आप लोगों ने 2 टाइप सीखा, ये मेरी रिकॉर्डेड वीडियो है। जैसा कि मैंने कहा, विद इन
एक सप्ताह के अंदर शाम वाली बैच एंड होगी, उसके बाद मैं शाम में आधे घंटे की क्लास लेकर आऊंगा और एक दिन में हम लोग 2 से 3 क्वेश्चन जो है उसको इसी तरह से सीखेंगे, यानी जिस भी टाइप को पकड़ेंगे हम लोग इतनी बार बना लेंगे उसको क्लासरूम में ही, यानी इस 15 से 20 मिनट आधे घंटे की वीडियो में, कि फिर वह आपको परेशान ना करे। तो अभी हम लोगों ने कितनी चीजें सीखी, 2 चीजें सीखी। घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच यदि 6 का डिफरेंस दिख जाए मुझे, तो 180 में से मिनट के आधा को माइनस कर लूंगा, आंसर आएगा। घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच यदि 0 का डिफरेंस दिख जाए मुझे, तो इस सिचुएशन में मिनट के आधा को आंसर बना लूंगा। आज बस इतना ही, थैंक यू, गुड नाइट सभी बच्चों को। फिर से कल नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, जहां हम लोग देखेंगे कि जब 0 और 6 का अंतर क्रिएट ना हो तो उस सिचुएशन में हम कैसे एंगल को हैंडल करेंगे, और यकीन मानिए उसको भी हम लोग माइंड से ही हैंडल करेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।